It's shameful. You're a disgrace. Yet you dare call yourself a Saiyan! मंथ का एंड आने वाला है, जस्ट कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप अभी इनएक्टिव होने की सोच रहे हो या हो गए हो, तो मैं उसे सरेंडर के रूप में लूंगा। एंड रिमेंबर दैट सरेंडर इज फार वर्स देन डिफीट। आपका इनएक्टिव होना अभी मंथ के एंड में अगले मंथ के स्टार्ट को भी इफेक्ट करने वाला है। और हमेशा ये जो स्टार्ट और एंड है ना, इसे ठीक करने के लिए जान लगा देनी है। जस्ट एज अ वॉरियर थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय हिज अपोनेंट्स वर्ल्ड, सिमिलरली योर कॉम्प्लेसेंसी विल डिस्ट्रॉय योर ड्रीम। मतलब आपका इनएक्टिव होना, सरेंडर होना, ये आपके ड्रीम्स को, आपके गोल्स को खराब कर देगा, एंड यू कैनॉट अफोर्ड इट। इसी बात को सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको रिकॉल कराऊंगा वेजिटा के ये वर्ड्स। If you quit on me, I will kill you. And once the fight is over, I'm going to blow your stupid planet Sadala to smithereens. Though first, I'm going to hunt down and murder one by one every last member of your family. For them, it won't be quick. Imagine करो खुद को एक बैटल के बीच में। पता है तुम्हें कि इसमें इमेंस चैलेंजेस होंगे। ऐसे में सरेंडर कर देना क्या लूजिंग है? नहीं, इट इज बिट्रेइंग योर ओन पोटेंशियल। नेवर लेट योर डिसअपॉइंटमेंट ड्राइव यू टू सरेंडर, रादर यू शुड यूज इट टू फ्यूल यू टू फाइट हार्डर। अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करो उसी इंटेंसिटी के साथ जैसे यू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। If you do anything to my home planet or anything to my family, I will make you pay! ये जो गुस्सा है ना, एंगर, इट्स अ कैटलिस्ट फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्हीं निगेटिव इमोशंस को फ्यूल बना करके, एनर्जी बना करके खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करो। खुद को ट्रांसफॉर्म करो एक स्ट्रॉन्गर, ज्यादा रेजिलियंट और एक अनबीटेबल वर्जन में। वाई सरेंडर इज फार वर्स देन डिफीट। Defeat can be a lesson, but surrender is a choice. Choosing to give up is far worse than failing, because it means you have accepted defeat before giving your all. As a warrior of knowledge, never allow surrender to be an option. अब इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी IDJEE की प्रिपरेशन से रिलेट करके देखते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप किसी चैप्टर के किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो और अब आप क्वेश्चंस की सॉल्विंग पर जाते हो। हम किसी नॉर्मल इजी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, एक ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे जहाँ पर आप अटक सकते हो। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और सच में पहली बार में नहीं बनता है, सेकंड अटेम्प्ट लेते हो और फिर से आंसर गलत आता है। थर्ड टाइम अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास सरेंडर का चॉइस होता है, हम सोचते हैं कि छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअली वही वो जगह है जहाँ पर कि हमारे क्विट कर देने से हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आना था वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। इतिहास गवाह है, हर वो बच्चा जिसको आप देखते हैं अच्छी रैंक लाते हुए, उसने इस तरह का पेन, इस तरह की सफरिंग, इस तरह से क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल पहले से ही स्टार्ट कर दिया होता है। और अब वो पेन लेना, उस क्वेश्चंस में वेट करना, क्वेश्चन में स्ट्रगल करना, क्वेश्चन में फाइट करना, अब वो उसके लिए मेडिटेशन जैसा है। वो सरेंडर करना पसंद ही नहीं करता, वो फाइट करना पसंद करता है। और जिस वजह से हर बार जब भी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर वो अटक सकता है, वहाँ पर उसके फाइट करने से जब वो सॉल्व कर पाता है उस क्वेश्चन को, आंसर निकाल पाता है, तब जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो उसे एवरेज से टॉपर में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज व्हाई सरेंडर करना, गिव अप करना, छोड़ देना इज फार वर्स देन डिफीट। किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ तुमने फाइट किया, उस क्वेश्चन में तुमने जितनी भी फाइट की, सपोज है तुमसे 50% तक पहुंच पाए उस क्वेश्चन में, वो 50% तुम्हारे अपने एफर्ट है, तुम्हारे अपने एफर्ट है वो, और उन एफर्ट में सरेंडर नहीं था, उन एफर्ट में फाइट थी। एंड उन एफर्ट को कभी भी वेस्टेड नहीं माना जा सकता, वही वो एफर्ट है जो तुम्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसलिए कहीं पर भी किसी भी चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट्स के साथ तुम्हारी फाइट हो, कहीं पर भी तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, मैं रिवीजन और अच्छे से करूँगा, कहीं पर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को भूल जा रहा हूँ, मैं फॉर्मूले को याद रखने के लिए कुछ मुझको तरीके अपनाने पड़ेंगे, तुम्हारी किसी भी तरह की फाइट तुम्हारे गिव अप कर देने से और सरेंडर करने से कहीं ज़्यादा बड़ी है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर कि सेयन प्राइड, ये हम जेई की प्रिपरेशन के साथ कैसे रिलेट करेंगे। तो हर वो बच्चा जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है जेन्युइनली, उसकी प्राइड है कि वो क्लास में फोकस होता है,
उसकी प्राइड है कि वो क्लास के बाद रिवीजन करता है, उसकी प्राइड है कि वो क्वेश्चंस को जेन्युइनली खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, उसकी प्राइड है कि वो अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता है, उसकी प्राइड है कि वो रेगुलरली रिफ्लेक्शन लेने की कोशिश करता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी प्राइड है कि वो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें प्राइड है उसकी, और इसीलिए समय के साथ जब उसे समझ में आता है कि यही तो मेरी वो चीज़ें हैं जो मैं अभी जिस स्टेज में हूँ, उस स्टेज में यही वो चीज़ें हैं जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, यही वो चीज़ें जो मेरा प्राइड है, तब फिर जब ये रियलाइजेशन होता है तो कहीं से भी इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को छोड़ देना वो बच्चा अफोर्ड नहीं करता। जिस वजह से आप देखोगे जो बच्चे इस बीस्ट मोड में आ जाते हैं कि क्लास में फोकस्ड है, रिवीजन कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली अपने आप को चला रहे हैं, उनको जब ये फील आ जाती है कि यार इसी चीज़ में तो मेरा पीस ऑफ माइंड है, तो फिर कभी भी वो अपने इस प्राइड को नहीं छोड़ते हैं, कभी भी वो अपने इस मेडिटेशन को नहीं छोड़ते हैं, कभी भी वो इस रास्ते से हटते नहीं हैं। किसी ITJEE प्रिपरेशन, किसी ITJEE वाले स्टूडेंट के लिए ये प्रोसेस सेन प्राइड से कम नहीं होता। तुम्हें एस्पायर सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए नहीं करना चाहिए, बट टू इवॉल्व, टू पुश योर लिमिट्स एंड रीडिफाइन व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ।